गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दो। मैं आपका दोस्त आशिम और आज इस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं गाइस, होने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग वो है इंडिया डेवलपमेंट, इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी। देख लेते हैं क्या है वीडियो, इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सन 57 के गदर के बाद से ही अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान पर राज करने के दिन गिने चुने रह गए हैं। फिर भी उन्हें यहां से जाने में 90 साल लग गए और आखिरकार 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को आजाद जरूर किया, लेकिन जाते जाते भारतवासियों को गृह युद्ध में धकेल कर और अधिक खून बहाया और देश दो टुकड़ों में बट गया। लेकिन दोस्तों, भारत सनातन है और इसकी हस्ती न कभी मिटी और न कभी मिटेगी। जिस देश के वासी अपनी जाति धर्म से उठकर अपने देश को प्यार करते हों, उस देश की हस्ती कभी मिट भी नहीं सकती। दोस्तों, क्या कोई सोच सकता था कि आजादी के कुछ दशकों बाद ही भारतीय कंपनियां टॉप ब्रिटिश ब्रांड्स जैसे लैंड रोवर, जैगुआर, चाय का सबसे मशहूर ब्रांड टेटली को खरीद लेगी। किसने सोचा होगा कि एक भारतीय ब्रांड टाटा ब्रिटेन की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीद लेगी और अंग्रेजों को उन्हीं की देश में रोजगार देगी। झटका तो लगा होगा, लेकिन हकीकत यही है। आज भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं और वो भी अंग्रेजों को बिना गुलाम बनाए। अगर आज इंग्लैंड में भारतीय कंपनियां अंग्रेजों को नौकरी से निकाल दें तो वहां बेरोजगारी की वजह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। वैसे भी इस वर्ष यानी 2019 में भारत ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी बनकर पांचवें स्थान पर आ जाएगा। आज तक पश्चिमी देशों और अन्य विकसित देशों ने भारत की कुछ ऐसी छवि पेश कर भारत का मजाक उड़ाया है, लेकिन उनसे कह दो कि भारत ने अब अपने यौवन काल में प्रवेश कर लिया है और अब इस युवा देश को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये खूबसूरत है, ताकतवर है और इसका अगला उद्देश्य सुपर पावर का दर्जा हासिल कर विश्व गुरु बनने का है। भारत ने ये सब आजादी के कुछ दशकों बाद ही कर दिखाया है और ये भी दिखा दिया कि वो क्या करने के काबिल हैं। और ये सब कुछ एक पूर्ण निष्पक्ष व्यापारिक वातावरण में किया गया है, न कि उपनिवेशवाद, लूटपाट और कत्लेआम से जैसा कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था। भारत कभी किसी से बदला लेने या खुद को बड़ा साबित करने के उद्देश्य से काम नहीं करता, वो वही करता है जिसमें उसे महारत हासिल है और नई नई चीजें सीखकर उसका अनुसरण करता है। वो सिर्फ योग, आयुर्वेद, आईटी, अध्यात्म आदि का ही गुरु नहीं बल्कि व्यवसाय में भी गुरु है। आज भारतीय इकोनॉमी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन याद रहे ये तो अभी शुरुआत भर है, टॉप गियर में जाना तो अभी बाकी है। भारत की युवा शक्ति और संसाधनों के भंडार में अभी बहुत शक्ति और क्षमता बाकी है जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भारत के लिए विश्व का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन सोर्स है। ये बाजार लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर का है और इसमें भारत की 67% की हिस्सेदारी है। ग्लोबल स्टार्टअप्स में लगभग 4300 स्टार्टअप्स के साथ भारत तीसरे नंबर पर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारा देश जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, विश्व में टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस के मामले में आकर्षक स्थलों में तीसरे स्थान पर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली विकसित कर चुकी है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च कर चुकी है। इसका तात्पर्य ये है कि पश्चिम में जिसे हम GPS कहते हैं, भारत के पास अब इसका अपना संस्करण मौजूद है। इस क्षेत्र में
भारत दूसरे देशों जैसे यूके, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस आदि के सैटेलाइट लॉन्च कर उनकी मदद कर रहा है। इसरो चंद्रमा और यहां तक कि मंगल ग्रह तक भी अंतरिक्ष अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। अगले महीने यानी जुलाई 2019 में चंद्रयान मिशन 2 का शुभारंभ होगा और इसे पहले मिशन ए सेट पूरा कर भारत अमेरिका रूस और चीन के बाद चौथी महाशक्ति बन चुका है। आने वाले वक्त में शीघ्र ही भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर क्वांटिटी के तौर पर देखें तो भारत फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जेनेरिक मेडिसिंस का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। जेम्स एंड ज्वेलरी भारत जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि विश्व के 95% डायमंड्स की कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग भारत में ही होती है और ये काम मोस्टली एक ही शहर में होता है जिसे हम सूरत के नाम से जानते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर भारत मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा हो और चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, चाहे नेचुरोपैथी हो और चाहे अध्यात्म द्वारा चिकित्सा हो, भारत इन सब के लिए ही विश्व में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। भारत की आधुनिक चिकित्सा उच्च कोटि की है। यहाँ के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बेमिसाल होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप में आने वाली लागत के 10वें हिस्से से भी कम है। रियल एस्टेट सेक्टर भारत विश्व के नवीनतम शहरों का निर्माण कर रहा है जिन्हें स्मार्ट सिटीज नाम दिया गया है। ये 100 स्मार्ट सिटीज के निर्माण की एक अत्यंत विशाल योजना है। आंध्रा में अमरावती सिटी, छत्तीसगढ़ में रायपुर स्मार्ट सिटी, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, गुजरात में धोलेरा और गिफ्ट सिटी, केरला में कोची स्मार्ट सिटी और अन्य जगहों पर कार्य तेजी से चल रहा है। भारत के नेशनल कैपिटल रीजन में ही 50 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो रहा है। भारत में आज भी 69% लोग गांवों में रहते हैं जो तेजी से शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से शहरों और घरों की आवश्यकता होगी, इसलिए भविष्य के प्रवासन को देखते हुए भारत खुद को तैयार कर रहा है। गांवों से शहरों की ओर का पलायन और वो भी इस पैमाने पर मानव इतिहास में शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक विशाल पैमाने पर कर रहा है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही 250 किलोमीटर से अधिक की आधुनिक मेट्रो रेल है और इसमें सैकड़ों किलोमीटर का और इजाफा होने वाला है क्योंकि इसे विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने वाला है। तो गाइस ये थी वीडियो और बिल्कुल यार डेवलपमेंट की बात की जाए इंडिया की, बहुत वीडियोस देख चुके हुए हैं मतलब इन डेवलपमेंट पे और बड़ी ही जबरदस्त डेवलपमेंट हुई भी है इंडिया में, काफी हमने वीडियोस देखी हुई हैं और ये इस वीडियो में भी वैसा ही सब बताया हुआ जो चल रहा है आजकल। इन्हीं सब टॉपिक में एक एक हम लोगों ने लंबी लंबी वीडियोस भी की हुई है। कभी रेलवे पे कर ली, कभी हमने उनकी जो है वो इसरो पे की है, कभी हमने आईटी पे की है। आईटी का तो इंडिया का बहुत फेमस हो चुका है जब से इमरान खान ने तारीफें की हैं आईटी की, इंडिया की आईटी की, तो पाकिस्तानी आवाम को भी पता लग गया कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री। आम आवाम को इतना नहीं पता था, आम आवाम इतना नहीं, वो तो बैठे हुए थे इधर। आम आवाम जो पाकिस्तान की आम आवाम, हम तो वीडियो देखते हैं ना, है तो आम आवाम ही, लेकिन हम वीडियो देखते हैं, हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें इंडिया की ऊपर है, क्या क्या चीज़ें वो काम है, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री का आम लोगों को नहीं पता था कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री कितनी फेमस है, पता होगा लेकिन लाइक 10% लोगों को पता होगा, लेकिन जब से इमरान खान ने तारीफ की है तमाम, तो भाई इंडिया की वाकई आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, उनकी 130 मिलियन की है, ज्यादा कंपनीज हैं और वहाँ पे सारे वर्कर्स उनके वो होते हैं, फॉरनर होते हैं। और फिर ये है कि वो कहते हैं कि अगर उनको निकाल दिया जा रहा है तो आधे इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ ना, तो उधर कंपनीज काम करती है, टाटा, फोर्ड, जैगुआर। सिर्फ इंडियन वर्कर्स को ही लेते हैं? नहीं नहीं इंडियन वर्कर्स को क्यों लेते हैं, वो सबको ही लेते हैं। उधर काम चलता है, जिसको काम आता है उसको लेंगे, बेशक वो इंडियन है, बेशक वो जो है वो अंग्रेज है, जिसको काम आता है उसको लेंगे। टाटा कभी भी ये भेदभाव नहीं करता, टाटा कंपनी जो है ना वो कि भाई उधर सिर्फ इंडियंस को ही लेगा। टाटा वैसे बड़ा देशभक्त है कि वो करते हैं कि अपने आम लोगों का दर्द रखते हैं, जो लोगों को जॉब्स देते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, वो चैरिटी करते हैं, लेकिन ये नहीं, काम के उसमें नहीं होता। बाकी ये सारा जो अभी तेजी पकड़ी है, बाकी नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में भी पकड़ी है, है ना, क्योंकि बड़ी जबरदस्त उनकी गवर्नमेंट, बहुत गवर्नमेंट जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है, बहुत तरक्की हुई है इंडिया की नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। कुछ फ्लॉज भी हैं, लेकिन जाहिर है अब एक कंट्री को 130 मतलब के इतनी 1.3 बिलियन की आबादी को आपने संभालना है, आसान नहीं है, आसान नहीं। आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, दूसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन के आप प्राइम मिनिस्टर हो, और संभालना आसान नहीं है। और बहुत अच्छे से मुझे लगता है अभी तक संभाला हुआ है नरेंद्र मोदी ने, कि उनकी GDP भी इतनी ग्रो कर रही है, इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, सारा कुछ है। तो हाँ, तो बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। 1 2 3 ना पे दिए।